हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इट्स क्लास सेकंड एंड टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर नंबर थ्री। आज हम चैप्टर नंबर थ्री रिवीजन करेंगे। तो लेट्स टेक आउट योर बुक, ओपन चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर थ्री, इंपॉर्टेंट प्लेसेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिट टेस्ट, सो फर्स्टली वी रिवाइज द एक्सरसाइज। पहले हम एक्सरसाइज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी कीप अवर मनी इन अवर बैंक। हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं, अपना धन बैंक में रखते हैं। बैंक इज अ सेफ प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर मनी। बैंक वो जगह होती है जो पैसे रखने के लिए सुरक्षित होती है, तो हम इसलिए हम अपने पैसे को सेफ रखने के लिए बैंक में रखते हैं। सेकंड, व्हेन वी फॉल इल वी आर ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमें डॉक्टर ट्रीट करता है, हमारा इलाज डॉक्टर करता है। होता है ना ऐसा कि जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब होती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो हमें मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारी बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं। थर्ड, वी सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम लेटर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। हमें जब भी कोई लेटर कहीं पर भेजना होता है, तो हम उसे पहले पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। वहां पर एक रेड कलर का बॉक्स बना होता है, उसी बॉक्स में हम डाल देते हैं, फिर वो लेटर पोस्ट ऑफिस में एरिया वाइज सब जगह भेजा जाता है। तो हमें जब भी लेटर भेजना होता है, तो हम वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। थर्ड, द पुलिस गार्ड आवर नेबरहुड। पुलिस, आपने देखा होगा ना पुलिसमैन को जो यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, इनकी यूनिफॉर्म कुछ कुछ ब्राउन कलर की होती है, खाकी बोलते हैं उसको, तो ये पुलिस होती है और ये हमारे नेबरहुड को गार्ड करते हैं, हमारा आस पड़ोस की सुरक्षा करते हैं। हम जहां भी रहते हैं वहां पर हम सेफ रहें, तो हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है। फाइव, पार्क्स हैव ओपन स्पेस वेयर वी कैन प्ले। पार्क वो खुली जगह होती है जहां पर हम खेल सकते हैं। पार्क आप जानते हैं वो प्लेस है, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है जहां पर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज भी लगे रहते हैं, ओपन स्पेस होता है, वहां पर हम खेलने के लिए जाते हैं। नॉर्मली लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में पार्क में जाते हैं। नाउ वी विल रिवाइज द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, There is only one shop in a neighborhood market. Neighborhood market में केवल one shop होती है, एक ही shop होती है। हम जहां भी रहते हैं वहां आस पड़ोस में जो market होती है वहां पर केवल एक shop होती है, ऐसा ये sentence कह रहा है, तो ये हो जाएगा false, क्योंकि हमारे neighborhood में कई सारी shops होती हैं, जहां कई सारी shops होती है वही market बोलते हैं, तो ये first sentence हो जाएगा false। Second, An ambulance takes us to school. Ambulance हमें स्कूल तक ले जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्कूल जाते हैं स्कूल बस से, एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाने के लिए होती है, तो ये सेकेंड सेंटेंस भी हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, वी बाई स्टैम्प्स एंड envelopes फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प और envelop खरीदते हैं। स्टैम्प टिकट को बोलते हैं, जो किसी जगह पर पोस्ट सम लेटर या कोई पार्सल भेजने के लिए उस पर लगाया जाता है, और इनवेलप बोलते हैं लिफाफे को, जिसमें हम लेटर डाल करके भेजते हैं या कोई भी पेज कोई पेपर भेज सकते हैं। तो स्टैम्प और इनवेलप ये हम पोस्ट ऑफिस से मिलता है, हम वहां से खरीदते हैं इसको, तो थर्ड सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। फोर, इफ देयर इज सम ट्रबल इन अ नेबरहुड वी रिपोर्ट इट टू द पोस्ट ऑफिस।
अगर हमारे नेबरहुड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पोस्ट ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, वहां इन्फॉर्म करते हैं या फोन करते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब भी हमारे आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस स्टेशन फोन करते हैं, या फिर जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसी जरूरत हो, उसके अकॉर्डिंग कॉल करते हैं, पोस्ट ऑफिस में कॉल नहीं करते। तो फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। फाइव, फायर फाइटर्स हेल्प अस बाय पुटिंग आउट फायर। फायर फाइटर्स ये हमें आग से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं या आग बुझाने में हेल्प करते हैं, तो फाइव सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वी कीप अवर मनी इन द, हम लोग अपने पैसे रखते हैं। ऑप्शंस ए हॉस्पिटल, बी बैंक, सी केमिस्ट शॉप, डी ग्रोसरी स्टोर। तो फर्स्ट हो जाएगा बी बैंक, हम लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं। सेकेंड, इन द नेबरहुड मार्केट वी फाइंड, नेबरहुड मार्केट में ये सब होता है। ऑप्शन ए द ग्रोसरी स्टोर, बी द केमिस्ट शॉप, सी द ग्रीन ग्रोसर शॉप, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मार्केट में ग्रोसरी स्टोर भी होता है, केमिस्ट शॉप भी होता है और ग्रीन ग्रोसर शॉप भी होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड, व्हेन वी गेट हर्ट वी गो टू द, जब भी हमें चोट लग जाती है, हम घायल हो जाते हैं तो हम जाते हैं। ऑप्शन ए हॉस्पिटल, बी पोस्ट ऑफिस, सी फायर स्टेशन, डी बैंक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हॉस्पिटल, जब भी कभी हमें चोट लगती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, थर्ड का ए। फोर्थ, द पुलिस हेल्प अस बाय, पुलिस हमारी हेल्प करती है। ऑप्शन ए पोस्टिंग अवर लेटर्स, बी सेलिंग मेडिसिन, सी सेलिंग मिल्क, डी गार्डिंग अवर नेबरहुड। तो फोर में हो जाएगा ऑप्शन डी गार्डिंग अवर नेबरहुड, पुलिस हमारे नेबरहुड को गार्ड करती है, हमारे आस पड़ोस की सुरक्षा करती है, तो फोर में हो जाएगा डी। फाइव, वी गो टू द पार्क टू, हम लोग पार्क में जाते हैं। ऑप्शन ए प्ले, बी वॉक, सी जॉग, डी ऑल ऑफ दीज। तो पार्क में हम जाते हैं तो हम ये तीनों काम कर सकते हैं, खेल भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, जॉग भी कर सकते हैं, तो ये तीनों काम करने के लिए हम पार्क में जाते हैं, तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर थ्री की, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज देख लिया, तो अब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू शॉप्स दैट वी फाइंड इन द नेबरहुड मार्केट एंड राइट दैट वी बाय फ्रॉम देम।
इस क्वेश्चन में हमें दो शॉप्स का नाम लिखना है जो हमें हमारे पास पड़ोस के मार्केट में, नेबरहुड मार्केट में मिलती है, और वहां से ये भी लिखना है कि आप कौन सा सामान उस शॉप से खरीदते हैं। आंसर: ग्रीन ग्रॉसर शॉप टू बाय वेजिटेबल्स, केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन। तो इसमें मैंने आंसर में लिखवाया है ग्रीन ग्रॉसर शॉप, जहां से हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, और केमिस्ट शॉप, जहां से हम मेडिसिन खरीदते हैं। आप इसकी जगह कोई भी दो शॉप्स लिख सकते हैं, और कोई भी चीज का नाम लिख सकते हैं, थिंग्स जो आप वहां से खरीदते हैं। यू कैन राइट द एनी टू शॉप्स नेम एंड द थिंग्स विच वी कैन फाइंड इन द मार्केट। जरूरी नहीं कि आप यही दोनों नेम आंसर में लिखिए, आप कोई भी दो शॉप्स का नेम लिख सकते हैं, और वहां से जो चीज हम खरीदते हैं वो नेम आप लिख सकते हैं। सेकेंड, व्हाट डू वी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस? हम पोस्ट ऑफिस से क्या भेजते हैं? आंसर: लेटर्स एंड पार्सल्स, लेटर्स और पार्सल्स भेजते हैं। थर्ड, हाउ डज द फायर स्टेशन हेल्प अस? फायर स्टेशन हमारी हेल्प कैसे करता है? आंसर: द फायर स्टेशन हेल्प्स अस टू पुट आउट द फायर एंड हेल्प पीपल हु मे बी इन डेंजर। फायर स्टेशन हमारी हेल्प करता है आग को बुझाने में, और साथ में उन लोगों की मदद करने में जो किसी खतरे में फंसे हो। तो स्टूडेंट्स, इट वाज द रिवीजन ऑफ द चैप्टर 3। वी जस्ट रिवाइज द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।